दिल के दर्दियों के दवाइयों ना भेटाता, छन छन आई हो दादा। नमस्कार, सत श्रीकाल। आप देख रहे हैं टेक्निकल सी वो चैनल को ओनर को। आज हमारे साथ है एडी अमन जी, जो कि आज इनके लाइफ स्टाइल से बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ ये मेरे एक फ्रेंड हैं, क्लासमेट हैं, और यह एक सिंगर के साथ साथ यूट्यूब क्रिएटर भी हैं। तो मैं इनसे काफ़ी कुछ क्वेश्चन करने वाला हूँ। अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो या ओल्ड भी क्रिएटर हो तो इस वीडियो को वॉच करते हो तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर सिंगिंग लाइन में हो तब भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, क्रिएटर हो तो इजिली मिल भी करेगा। तो इस वीडियो को मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है, शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले स्वागत है एडी अमन जी हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। तो सबसे पहले मेरे दर्शकों को आप ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं और अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले टेक्निकल सिवा दोस्त को, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं उन लोगों को मेरा नमस्कार है। तो अमन भाई, एक चीज मैं आपसे और क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, साथ ही साथ आप गाना भी रिलीज करते हैं, गाना भी बनाते हैं, आपकी स्टूडियो भी है, तो क्या आप पढ़ाई के साथ साथ कर रहे हैं कि पढ़ाई को छोड़ के सब कर रहे हैं? आपकी पढ़ाई कंप्लीट हुई कि नहीं? मेरा तो सब कुछ पता है कि हम मेरे क्लासमेट हैं, तो हम लोग अभी कॉलेज में हैं, तो हम मेरा कॉलेज कहीं और से है। इनका अभी मैं पूछना चाहूँगा कि अभी पढ़ रहे हैं कि छोड़ के ये सब काम कर रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ बताइए। नहीं नहीं, देखिए पढ़ाई अपनी जगह पे है, मैं पढ़ाई क्यों छोड़ूंगा, पढ़ाई तो अपनी जगह पे है और सिंगिंग लाइन अपनी जगह पे है। जी जी, ये तो बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आप ये काम कर रहे हैं तो अभी आपके घर के रिएक्शन क्या है कि मतलब ये काम को आपको जैसे लोग मोटिवेट करते हैं कि डीमोटिवेट करते हैं कि आपको मतलब जैसे यह होता है ना गांव के जैसे बंदे को बहुत लोग निगेटिव पॉइंट से देखते हैं, बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, अगर इनकम उनकम जनरेट नहीं होता तो, और भी बहुत तरह के लोग बोलने वाले हैं। तो आपके घर से क्या सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? देखिए मेरे घर से तो बहुत सपोर्ट मिलता है। जी जी, हर कोई सपोर्ट करता है। बढ़िया। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जिसके घर के लोग सपोर्ट करते हैं तो बढ़िया रहता है। इससे लोग यह होता है ना कि बाहर कुछ भी लोग बोले उससे मेरे को मतलब नहीं है, मेरे घर के लोग क्या करते हैं इससे मेरे को मतलब है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि मतलब अन्य व्यूअर्स को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे उनका मतलब हम सब कुछ लेकर चलते हैं, मानिए पढ़ाई में हुआ मेरे को कुछ कोर्स और करना है, कुछ लोग करते हैं कि नहीं भाई ये कर लो अच्छा है, तो ऐसे में अगर आपका सिंगिंग चैनल चूज़ किए हैं तो आपका इसमें रुचि होगा तब भी किए? मेरा टेक्निकल में रुचि है, इंटरव्यू वीडियो शूट करना रुचि है, तो मेरा यही काम पर्सनली मैं करता हूँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जो इंटरेस्ट वे करना चाहिए कि घर के लोग जो कर रहे हैं वे करना चाहिए? देखिए मेरा मानना तो ये है कि आपको जिसमें रुचि हो जी जी उसको करना चाहिए, क्योंकि जिसमें रुचि रहती है उसमें मन लगता है। ये तो है जी। और रह गई किसी की कहानी पे करने से, तो ये होता है उस चीज को मन से नहीं किया जाता है जी। वो करेगा, कुछ दिन करेगा, लेकिन अपने आप को ही कोसेगा। जी जी जी, ये तो है। अच्छा चलिए, अभी हम लोग काफ़ी कुछ आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे, साथ ही साथ मतलब एक सिंगर हैं तो एक अच्छा सा गाना पहले सुन लेते, उसके आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले अमन जी आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप एक अच्छा कोई गाना गाइए जो आपको सबसे अच्छा गाना लगता हो, सबसे पॉपुलर गाना हो जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगता हो। तो बस एक गाना सुने, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू इंटरव्यू करते हैं। देखिए मैं बचपन से पवन सिंह जी का गाना सुनता रहा हूँ। जी जी, तो उन्हीं का एक गाना सुना। चलिए बढ़िया है, किसी के भी गाना सुनाइए, अपने दिल से सुनाइएगा और मेरे व्यूअर्स खुश हो जाएं और लाइक भी मारें। चलिए सुनाइए फिर। दिल के दर्दियों के दवाइयों ना भेटाता, छन छन आई हो दादा, जान यह बुझाता कि दिल के दर्दियों के दवाइयों ना भेटाता, छन छन आई हो दादा, जान यह बुझाता मोहब्बत बेचाता है बाजार में, केहू पियेला जहरिया के करो प्यार में, मोहब्बत बेचाता है बाजार में, केहू पियेला जहरिया के करो प्यार में।
बहुत बढ़िया अमन भाई, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा भाई, आपका क्या कभी ब्रेकअप हुआ है कि दिल टूटा, इतना अच्छा गाना इतना दिल से गा रहे हो, इसके पीछे कुछ ऐसा पर्सनल एक क्वेश्चन है, आप बताना चाहे तभी बताओ, नहीं बताना चाहे तो नहीं बता सकते, नहीं नहीं इसमें कोई बढ़िया ही नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज था, मेरे को काफी पसंद है गाना और दिल से गाए हैं, और मतलब गम वाला गाना था, गम वाला गाना गाने के पीछे कुछ रीजन होगा आपका? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जी, मुझे बचपन से ही गम वाला गाना अच्छा लगता है और अच्छा लगता है गाना भी जी जी, बढ़िया, मैं ज्यादातर गम वाला ही गाना गाता हूँ जी, बढ़िया है, और सब कुछ हम लोग गाने के थ्रू जान गए, भाई एक सिंगर हैं, सिंगर के साथ साथ एक यूट्यूब क्रिएटर, अच्छा अभी आप कितने चैनल मैनेजमेंट कर रहे हैं, कितना चैनल आपका है यूट्यूब पे? देखिए इस टाइम तो मेरा 4 चैनल है जी जी, अच्छा 4 में से कितने मोनेटाइज है, जिससे मतलब आप अब इनकम जनरेट कर रहे हैं? 3 से हम इनकम जनरेट कर रहे हैं जी जी, अच्छा अभी एक नहीं है मोनेटाइज, अच्छा ये चारों जो आपका चैनल है वे सिंगिंग से रिलेटेड है कि मतलब और भी कोई टॉपिक से रिलेटेड है? ये जितने भी है सिंगिंग से रिलेटेड है। अच्छा ठीक है, हम लोग चारों सिंगिंग उस पर वीडियो अपलोड करते हैं जी। अच्छा अभी आपके सबसे ज्यादा व्यूज वाली कौन सी वीडियो है, जब से पॉपुलर वीडियो हो, जैसे यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो जो मिलियन में गया हो या ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए हो, कोई ऐसा उस वीडियो का नाम बता सकते हैं? देखिए कई सारा है, आप जाके सर्च कर सकते हैं, एक मेरा चैनल है नीतू इंटरटेनमेंट म्यूजिक, सांवरिया म्यूजिक भोजपुरी, आप जाके सर्च कर सकते हैं, उस पे गाना देख सकते हैं, काफी सारा गाना है, काफी अच्छा अच्छा गाना है। अच्छा अभी आपको 4 चैनल मैनेजमेंट करें तो आपको काफी ऐसे बिजी होंगे, ऐसे टाइम नहीं मिलता होगा, तो पढ़ाई को कैसे मैनेजमेंट कर पाते हैं आप? देखिए पढ़ाई की बात है तो अलग है और इसका बात अलग है, तो हम पढ़ाई के साथ साथ ये भी करते हैं जी जी, यानी टाइम निकाल के करते हैं, दोनों को आपको देखना है, बढ़िया है। अच्छा आप यूट्यूब पे कब चैनल क्रिएट किए थे, फर्स्ट चैनल आपका कौन है, 4 चैनल होगा तो आप बारी बारी चारों का नाम बताइए, और पहला चैनल आपका कौन था, मतलब था जो अच्छे सब्सक्राइबर इंक्रीज किया हो, उस पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो हो? देखिए पहला वाला है नीतू इंटरटेनमेंट म्यूजिक जी जी, और एक है सांवरिया म्यूजिक भोजपुरी, एक सांवरिया म्यूजिक हिट है जी, और एक है सांवरिया म्यूजिक। अच्छा बढ़िया है, आप तो काफी ज्यादा इनकम करने वाले हैं, 4 चैनल चला रहे हैं उसका गूगल एडसेंस 4 है, उसके ऊपर से सिंगर भी हैं, अगर चैनल चल जाता है तो उससे तो इनकम होगा ही होगा, अगर पॉपुलर हो जाता है तो भाई वहाँ तो इनकम बहुत जरिया है, आप यूट्यूब से कई जरिया है, गूगल एडसेंस के थ्रू कमा सकते हैं, प्रमोशन के थ्रू कमा सकते हैं, ये आपके स्टूडियो स्टूडियो के थ्रू नए गायकर को आप मौका देंगे उनके थ्रू कमा सकते हैं, उसके स्टेट शो करते हैं, काफ़ी मतलब कमाई हो सकती है फ्यूचर में आपको जाके, मेरा भगवान से यही दुआ है कि आप आगे बढ़ें और अच्छा खासा इनकम जनरेट करें, गाँव के नाम रोशन करें, अपने फैमिली का नाम रोशन करें, और बहुत कुछ आप एक्सेप्ट करें और अचीव करें, मेरा ये शुभकामनाएं। अच्छा चलिए आगे मतलब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, अभी आपके घर के तो मतलब रिएक्शन अच्छा है, मेरे को पता है कि आपके घर के लोग सपोर्ट करते हैं, आपके गाँव के और मतलब बगल वाले लोग क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा जलन होती है बगल वाले लोगों को, मतलब ऐसा होता ना कि मतलब लोग सोचते हैं यार ये क्या कर रहा है, अभी तो आपको निगेटिव पॉइंट से लोग बोलते होंगे, मतलब अगर नहीं आप उनको अच्छा लगते होंगे, ऐसे होता है ना कि कोई बंदा अच्छा काम करता है तभी भी उसकी बुराई होती है, अच्छा काम करता तभी भी बुराई होती तो है, ये तो मतलब मेरे को भी फेस करने को ऐसा मिलता है, मेरे को भी अब 1.5 साल हो गया यूट्यूब पे काम करते हुए, तो मतलब शुरू में इनकम जब नहीं होता था तो लोग काफी निगेटिव पॉइंट से बोलते थे क्या कर रहा है फालतू काम है ऐसा, लेकिन जब मेरा इनकम आया तो काफी अच्छे खासे पार्टी रखा था, उसमें काफी लोगों को इन्वाइट किया था, भाई आपको नहीं किया था सॉरी इसके लिए, इसलिए नहीं कर पाया कि उसमें काफी लोग मेरे को छूट गए थे, मतलब कॉन्टेंट नहीं कर पाए, और एक चीज था उसमें काफी मतलब हाले हाले में ये सब हुआ, बस जब 100 के सब्सक्राइबर होंगे तब बढ़िया पार्टी का जो इसमें सारे लोग इनवाइट किए गए, तो बस एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि अमन भाई आपके साथ साथ और भी टीम है आपकी कि बस आप अकेले सब मैनेजमेंट कर लेते हैं? नहीं नहीं हमारे साथ पूरा टीम है, पूरी टीम के साथ हम लोग काम करते हैं जी जी। आपके सबसे मेन बंदे का एक दो नाम बताइए जो मतलब आपके सबसे करीबी हो और जैसे आपके हेल्प करने में मदद करते हों। देखिए मेरा भी जो भी गाना आता है मेरा अकेले नहीं आता है, जे जे। मेरे भाई हैं एडी, उनका नाम एडी है और मेरा नाम अमन है, तो हम दोनों लोग साथ में गाते हैं जे जे। और रह गई बात मेरी टीम की, तो मेरे टीम में 3 लोग और हैं जे।
एक दिवेश दीवाना है जी, और एक संदीप सांवरिया है जी, और एक अमीन दीवाना है जी। जी बढ़िया, यानी ये आपके काफी खास हैं जो कि आपको मदद करते हैं हर एक चीज में काम करते हुए। ये हमारे हर एक काम में आते हैं, आगे पीछे जो भी हो। मैं अगर यहाँ ना रहूँ स्टूडियो पे तो यही लोग देखते हैं जी। जी अच्छा एक चीज़ है, मतलब ये तो मेरे को पता नहीं है, अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टूडियो में गाना रिलीज कराते होंगे तो उनको पता होगा, आपको भी पता है आप स्टूडियो से मिलों करते, तो एक गाना आप जैसे मानिए एडिट करते हैं ऑडियो या वीडियो, ऑडियो की आप अभी कितना चार्ज करते हैं? देखिए चार्ज की बात तो अलग है, कई तरह का है जी। अच्छा अभी आप ऑडियो वीडियो दोनों करते हैं कि खाली ओनली ऑडियो कर रहे हैं? नहीं, दोनों करते हैं जी। जी अच्छा अभी आप सबसे पॉपुलर किसी गायिका या गायकर से किससे मिले हैं? देखिए मिलने के तो कई लोगों से मिल चुके हैं जी। जी उसमें पॉपुलर सबसे ज्यादा कौन है उस बंदे से मिले हूँ जो कि मैं आपको अभी शो करूंगा था मेल के थ्रू आप अपने वीडियो में, कि हाँ बंदा को लगे कि हाँ ये बंदा कुछ अच्छा मुकाम हासिल किया है? देखिए मैं पहली बार जब गया था दिल्ली में शूट करने के लिए जी, अपना पहली बार फर्स्ट में, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई सुपरस्टार डायमंड स्टार जिनको बोला जाता है, गुड्डू रंगीला जी से जी। जी तो काफ़ी उनके साथ टाइम व्यतीत हम लोग किए थे जी, और कई लोग हैं उनसे मिला गया है, और हाल ही में बहुत जल्द हमारा गाना आने वाले है शिल्पी राज के साथ जी। जी वो भी तो काफी पॉपुलर गायिका है, बहुत जल्द आने वाला है, वीडियो के साथ भी आएगा जी। अच्छा अभी तक आप टोटल कितने ऑडियो वीडियो अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे गाना? देखिए एक अंदाजा के तौर पे, ऐसे तो पता नहीं होगा हाँ, लेकिन काफी सारा हो चुका है जी। अच्छा सब अपनी है ये चैनल से अपलोड करते हैं कि अदर भी कोई चैनल से अपलोड कराते हैं? देखिए शुरू में जब मैं गाना स्टार्ट किया था तो मैं अपने चैनल से नहीं काम, मैं अपने चैनल पे नहीं काम करता था, किसी और के चैनल पे मैं अपना गाना अपलोड कराता था। लेकिन फिर मैं देखा कि इधर से भी पैसा जा रहा है और उधर से भी पैसा जा रहा है, और है। कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। उसके बाद मैं अपना खुद का चैनल क्रिएट किया, तब से मैं अपने ही चैनल पे काम करता हूँ जी। जी अच्छा ये तो हो गए आपके जो भी काम करें उससे रिलेटेड, आप पर्सनल कुछ क्वेश्चन हो जाए। अभी तो आप पढ़ाई के क्षेत्र में किस लेवल पे हैं, जैसे बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बी फार्मा डी फार्मा, जो भी आप मतलब पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई के कोई नाम बताइए? देखिए हम ज्यादा नहीं पढ़े हैं, फिर भी पढ़ रहे हैं, काफी पीछे मेरी पढ़ाई छूट गई थी ठीक कुछ स्थिति की वजह से जी। जी तो फिर मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट किया जी। जी तो मेरा इस साल इंटर चल रहा है, फर्स्ट फाइनल। आप इंटर? अच्छा इंटर आपका चल रहा है, बढ़िया है ब्रो। और साथ ही साथ अभी आपका एज कितना होगा, इतना मुकाम हासिल करना, चार चैनल मैनेजमेंट करना, पढ़ाई करना, स्टूडियो खोलना, अभी आपका एज कितना होता होगा? देखिए एज तो हमारा 21 साल है जी। जी जी 21 साल में चाय चैनल चलाना, स्टूडियो चलाना, पढ़ाई करना काफी डिफिकल्ट होता होगा। और मतलब लगता है नहीं कि गांव के बंदा कोई इतना मतलब वे हार्ड वर्क कर सकता है, लेकिन आप करें तो इसका फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। बस आप मेहनत ऐसे ही करते रहिए और मेरा यही शुभकामनाएं हैं, और आप और आगे बढ़ें और अच्छे गाने रिलीज करें। और मैं इनसे एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अभी अपने जो भी मम्मी पापा या घर के लोग होते हैं तो उनके से आप कुछ बोलते होंगे, मतलब मेरा ये ड्रीम है, वे ड्रीम है, चाहे वे आपसे क्या उम्मीद रखते हैं कि मेरा लड़का एक दिन सिंगर बनेगा या कुछ और करेगा? तो अभी तो आप सिंगिंग करें तो सिंगिंग की लाइन में जाना चाहेंगे, तो अभी आपका सबसे फेवरेट गायकर जो है वे पवन सिंह जी हैं, तो आप फ्यूचर में क्या उनके साथ अगर काम करने का आपको मौका मिले तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे? अब कौन नहीं चाहेगा पवन सिंह जी के साथ काम करना, तो है अगर मिले मौका तो अवश्य कोई करेगा, बट अभी आपको हार्ड वर्क और करने की जरूरत है और पॉपुलर होने की आवश्यकता है कि अगर होते हैं तो उनके साथ भगवान करे काम करने का मौका मिले। देखिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, अगर आप मेहनत करेंगे तो उनका साथ भी काम कर सकते हैं ठीक है। तो ये है और भी बहुत क्वेश्चन आंसर है, लेकिन एक चीज है मतलब मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगा, ऐसे तो मेरा टेक्निकल रिलेटेड चैनल
चैनल है, बट अभी मैं सोच रहा हूँ इंटरव्यू के जरिए जो भी बंदा हार्ड वर्क कर रहा है, गांव से बिलोंग कर रहा है या शहर से बिलोंग कर रहा है, मेरे क्षेत्र का है, उन सारे से हम लोग मिलेंगे, इंटरव्यू लेंगे। भाई इतना वे कर सकता है मेहनत, तो आप क्यों नहीं कर सकते? वे भी सोशल मीडिया से इतना इनकम कर सकता, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो ये सब होता है, ठीक। अच्छा एक चीज़ और बताइए, अभी आपके 3 चैनल है, स्टूडियो है, तो पर मंथ आपका इनकम कितना हो जाता होगा? देखिए इनकम की बात है तो कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। जी, ये तो है, इसका कोई लिमिट नहीं, यानी मतलब कि हम पर मंथ कितनी हो जाती है, तभी कुछ अंदाजा बता सकते हैं इस महीने की कमाई से मैं ले सकता हूँ कि नहीं। जैसे कुछ भी, मेरा भी फर्स्ट पेमेंट आया था, तो मेरे फ्रेंड जो भी मतलब कांटेक्ट है वो तो पूछे थे भाई कितना आया था, तो वह तो मैं बता दिया था खोल के, लेकिन जब वीडियो क्रिएट किया था उसमें मैं बताया था कि भाई मैं इतना इस फर्स्ट पेमेंट के इनकम से मैं या एक फ़ोन ले सकता हूँ या चीज़ कर सकता हूँ, इससे वो लोग आइडिया मिल जाता, हाँ भाई इतना इनकम आया था उसका। तो ये होता है, एक चीज़ और होता है कि इनकम शो नहीं होता है, नहीं कराना चाहिए, यूट्यूब पे इसका गाइडलाइंस होता है, जो कि अगर गाइडलाइंस का उल्लंघन करेंगे तो कमोटी गाइडलाइन स्ट्राइक करके, ये कोई चाहेगा नहीं। तो आप ऐसे सीधा मत खोल के बताइए, लेकिन तभी बताइए कुछ ऐसे ले सकते हैं जो मतलब इतना इनकम आ जाती है। देखिए वो तो चैनल के ऊपर है और मेरे व्यूअर्स के ऊपर है। जी जी, अब जितना वो व्यूअर्स जाए उतना इनकम आता है। अच्छा, चारों चैनल में सबसे पॉपुलर आपका जो चैनल है उस पर सब्सक्राइबर कितना है अभी फिलहाल? देखिए ज़्यादा नहीं है, 35,000 सब्सक्राइबर है। जी जी जी। वो चैनल आप कब क्रिएट किए थे? वो मेरा हो गया चैनल लगभग 1.5 साल। जी 1.5 साल। जी, मोनेटाइज उसमें से 3 चैनल हैं, बढ़िया। अच्छा इसके साथ साथ मेरे को लगता है कि आपको ब्लॉगिंग भी करना चाहिए, जैसे मानिए 3 चैनल है, जब वीडियो आप जैसे शूट करते हो तो वो चीज़ दिखला सकते हैं पर्सनल लाइफ के बारे में। एक सर्वा जोशीन ब्लॉग नाम का ऐसे यूट्यूब चैनल है, और वन द इंडिया का सबसे पॉपुलर यूट्यूब क्रिएटर है ब्लॉगिंग के क्षेत्र में। अगर मेरे ख्याल से अगर एक चैनल और खोल लें, मतलब मेहनत तो करना पड़ेगा, और हाँ ये है, और सिंगिंग जो आप कर रहे हैं ये तो 4 चैनल है, ये इसमें जो भी आप अपने स्टूडियो में दिखला सकते हैं, या गायिका आया है, गायकी आई, और मतलब मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, ब्लॉगिंग रहता ना तो एक लाइफ स्टाइल हो जाती है भाई। जैसे आप फोटो खींच के अपलोड करते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वैसे ये हो जाता है कि आपका सोशल मीडिया पे रहता है, आप आगे जाके फ्यूचर में देख सकते हैं, और जो भी आपके पार्टनर हो वो भी दिखला सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और हो जाती है कि हमेशा के लिए एक यादगार हो जाता है, यादगार के साथ साथ पैसा इनकम जनरेट भी कर सकते हैं अगर आपका मोनेटाइज हो जाएगा, आपके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड आपके लोग देखना चाहते हैं। तो अगला चैनल कब खोल रहा है आपका ऐसे? मतलब मेरे को लगता है कि मतलब 4 तो बहुत है, लेकिन तब भी अगर ब्लॉगिंग करना चाहे तो मेरे को बेटर है कि देखिए कर ब्लॉगिंग तो करने का तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा हूँ। जी जी, लेकिन कुछ काम ज़्यादा बढ़ चुका है, इसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। जी जी, लेकिन बहुत जल्द आने वाला है। अच्छा एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को, आपका एक मैं वीडियो देखा था जो क्रेजी नंबर 1 है, वो आपका वीडियो रोस्ट किया था, उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे, रिएक्शन देना चाहेंगे कि रोस्ट किया तो गलत किया, ऐसा ही किया, या वो मतलब एक जैसे मतलब करना एक बुरी बात नहीं है, रोस्टिंग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक ले, यानी मतलब ज़्यादा उल्टा पुल्टा कर दे तो बंदा तो गलत करता है, लेकिन अगर अपने व्यूअर्स को हंसाना चाहता है, एंजॉय कराना चाहता है, तो भाई कर लो, वीडियो है कर सकते हो, वो भी एक टॉपिक ही है। तो मैं देखा था क्रेजी नंबर 1 जो कि एक पॉपुलर रोस्टिंग में चैनल उसका, अभी उसके 8 लाख कुछ सब्सक्राइबर हुए हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए आप, मतलब आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा? जो आप वीडियो देखे होंगे तब, नहीं देखे होंगे तो फिर कोई बात नहीं। देखिए उनकी बात अलग है रोस्ट की। जी जी, रोस्ट करना गलत नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक को हंसाने के लिए किया जाता है। जी जी, तो है। और रह गई काफी हद तक तो उनके सोचने की बात है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो उनकी बात है। जी चलिए, बहुत काफ़ी ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन आंसर किए, और वीडियो भी काफ़ी लेंदी होती जा रही है, और मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा, मेरे को पता है कि ये वीडियो कुछ खास नहीं होने वाली है, क्योंकि हम लोग पहला बार ऐसे इंटरव्यू करें, मैं तो पहला बार इंटरव्यू किसी को ले रहा हूँ, और आप कभी किसी को दिए थे कि फर्स्ट टाइम करें किसी का इंटरव्यू वीडियो? नहीं नहीं, मैं एक आध बार दे चुका हूँ। अच्छा जी, तो आपको तो अनुभव है, मेरे को उतना आइडिया नहीं था, बट शुरुआत हो गया, शुरुआत में जो भी होता अच्छे होता मेरे को लगता है, और
और हम लोग अभी सोच रहे हैं जितने भी क्रिएटर हैं जो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं उनसे सबसे मिला जाएगा, इंटरव्यू वीडियो शूट किया जाएगा, उनकी लाइफ जर्नी बात किया जाएगा, इनकम किया मतलब बात किया जाएगा कि हाँ पढ़ाई के साथ इतना इनकम कर रहा। मेरे क्षेत्र में ना बहुत ऐसे जो लड़के हैं और लड़कियाँ हैं जो भी मतलब काफ़ी अच्छे अमाउंट में अर्निंग कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो आप भी कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको एक आइडिया आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा अगर अभी तक वीडियो आप वॉच करो यानी हम लोगों में इंटरेस्ट था इस वीडियो के थ्रू तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना जरूर राय दीजिएगा। एक चीज़ और मैं बतलूँगा कि अगर हम लोगों से कुछ भी गलती हो रहा है तो आप कमेंट में उस चीज़ को बताइए जरूर, इससे यह होगा कि हम लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा हाँ हम लोगों में यह भी कमी है इसको सुधारना चाहिए। अगर आप बताते नहीं हैं तो फिर हम लोग उस कमी को मतलब नहीं जान पाएंगे और नहीं सुधार पाएंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कमी को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक कीजिए, नहीं तो ऐसे डिसलाइक भी कर सकते हैं उसमें कोई मतलब ऐसा दिक्कत नहीं है। और भाई चैनल पहला बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ भाई का चैनल डिस्क्रिप्शन का लिंक में है वहाँ पर भी जाकर चेकआउट करें, मतलब गाना सुने वीडियो देखें। और बस थैंक यू भाई आपसे बात करके बहुत मेरे को अच्छा लगा और आपको मतलब और आगे ग्रोथ करता रहिए। और मेरे व्यूअर्स के लिए जाते जाते कुछ दोस्त अब कहना चाहें तो क्या कहेंगे? देखिए टेक्निकल सिवा दोस्त को जितने भी लोग देख रहे हैं इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि फुलबदन भाई भी हमारे क्लासमेट रह चुके हैं और काफ़ी पहले से ही इनसे जान पहचान है और हम लोग एक ही गांव से हैं, सबसे बड़ी बात एक ही गांव से हम लोग हैं और साथ में भी पढ़े भी हैं हम लोग। तो फुलबदन भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए आप लोग, क्योंकि इनको सपोर्ट करेंगे तो काश हम लोग भी ये सपोर्ट करेंगे, इनके सहारे हम लोग भी आगे जा सकते हैं, आपके सहारे हम लोग जा सकते हैं। एक चीज़ और मेरे को यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर दे जो चीज़ हम मेरे कभी नहीं किए थे, और मेरा नाम जो भी यूट्यूब पे रिलेटेड है वो शिवा ही लोग जानते थे, पर्सनल नाम मेरा बता दे फुलबदन, ये मेरा एक पर्सनल नाम है जो विलेज से बिलोंग करते हैं, मेरा सभी फ्रेंड्स जानते हैं, मेरे स्कूल का जो भी है जो भी डॉक्यूमेंट है फुलबदन कुशवाहा ही है, बट ऐसा जो भी सोशल मीडिया है वो शिवा के नाम से, शिवा का नाम मेरे मतलब कोई करीबी ही रखा था और मतलब दोस्ती यारी में रखे गया था, और चैनल पे जो भी है सोशल मीडिया शिवा के नाम से और पर्सनल नाम फुलबदन है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, चलिए इतना ही इस वीडियो में, जय हिंद जय भारत।